ये जो बैक कैमरा से आप देख पा रहे हैं, ये दूर दूर तक हरा हरा ग्रीन ग्रीन बिल्कुल जो दिख रहे हैं, छोटे छोटे पेड़ जो हैं पिपरमेंट के पेड़ हैं। इससे क्या होता है, इससे पिपरमेंट का तेल निकलता है। आप हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं हूँ राजू कुमार, आप देख रहे हैं राजू के ब्लॉग। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कुछ ऐसा है, हम आपको दिखाएंगे गाँव की लोकेशन और कुछ विलेज के लाइफ के बारे में, विलेज के बारे में, गाँव घर के बारे में, क्या चल रहा है वहाँ पे। और आज हमारे गांव में बाज़ार लगी है, हम आपको दिखाएंगे वहाँ पे कि कैसे हमारे गांव में बाज़ार लगती है और क्या क्या होता है वहाँ पे। तो बने रहिए हमारे साथ। हाँ दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होता है कि सब्सक्राइब करने से जो भी हमारे वीडियो डालते हैं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, बिना देरी के वो चलते हैं, आके दिखाते हैं आपको विलेज लाइफ। तो हाँ, तो दोस्तों देख सकते हैं ये गाय बंधी हुई है और ये बछड़ा है और ये बकरियां हैं, कुछ घास खा रही हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है गांव का प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे, जो अभी बंद चल रहा है। ये प्राइमरी स्कूल है और ये सड़क गई हुई है बाहर मेन रोड के लिए। तो आगे चलते हैं, आपको और दिखाते हैं। ये गांव की सड़कें देख सकते हैं आप, बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, बहुत कम लोगों का आना जाना है। ये देख सकते हैं आप, पूरा गांव जो सड़कें हैं खाली पड़ी हुई हैं। तो दोस्त देख सकते हैं, ये हमारे गांव के बाज़ार लगी हुई है, सब्जियां लगी हुई हैं, ये सब्ज़ी बेच रहे हैं। बाज़ार बड़ी लगती है मगर आज छोटी लगी हुई है, बहुत बड़ी बाज़ार लगती है ये पीछे से। तो दोस्तों, अभी आपने देखा गांव और घर और खेतों की तरफ, सॉरी बाज़ार में क्या चल रहा था, क्या है माहौल है वहाँ का। और हम आप तो दोस्तों आपको खेतों की तरफ ले चलते हैं, दिखाते हैं खेतों में क्या हो रहा है और कौन सी फसल चल रही है, क्या है, बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं आपको खेतों की तरफ ले चलते हैं। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले आपको बताते हैं पेपरमेंट, जो आपने सुना हो पिपरमेंट होती है, जो ठंडा ठंडा नवरत्न तेल वगैरह जो आता है वो किससे बनता है, उसके पेड़ पौधे कैसे होते हैं। तो पहले हम आपको वो दिखाते हैं, आज बैक कैमरे से दिखाते हैं अभी आपको। ये जो बैक कैमरे से आप देख पा रहे हैं, ये दूर दूर तक हरा हरा ग्रीन ग्रीन बिल्कुल जो दिख रहे हैं, छोटे छोटे पेड़ जो हैं पिपरमेंट के पेड़ हैं। इससे क्या होता है, इससे पिपरमेंट का तेल निकलता है। आपने देखा होगा वो ठंडा ठंडा नवरत्न तेल जो आता है, और ऐसे बहुत सारे जो तेल आते हैं वो इसी के बनते हैं, यही जो है पिपरमिंट का पेड़ है। देख सकते हैं कहाँ तक है, ये दूर दूर तक खेतों में हो रखा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी लगता है खेत में। ये देख सकते हैं आपको, पहले हम बारीकी से दिखाते हैं पेड़, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये जो है पिपरमिंट का पेड़ है, इसी से जो है तेल निकलते हैं, नवरत्न तेल। चलते हैं आपको और दिखाते हैं आगे, बन रही है हमारे साथ में, चल रहे हैं आगे थोड़ा आपको दिखाते हैं। तो हाँ, तो दोस्तों हम अब आगे आ गए हैं। आगे जो है हमने देखा है मक्के का खेत है, मतलब मक्के, जो आपने मक्के की रोटी खाई होगी, गेहूं होता है, गेहूं सुना होगा आपके आपने, और मक्के की रोटी खाई होगी कभी। तो जो मक्के के पेड़ होते हैं वो आपको दिखाते हैं, ये बैक साइड हमारे देख रहे हैं आपको, ये मक्के की जो है खेती है और इसी से जो है मक्के की रोटी जो है बनती है। और आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं हम बारीकी से, आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं हरे हरे पेड़ खड़े हुए हैं और यही मक्के के खेती है, इसी में मक्की जो है, मक्के के भुट्टे, मक्का जो है इसी में लगता है।
और इस फसल को तैयार होने में कम से कम 2 से 3 महीने का वक्त लग जाता है। ये ज़्यादातर बरसात के टाइम भी होता है, मगर कुछ कच्ची फसलें जो हैं इस टाइम जो है तैयार की जाती हैं, देख सकते हैं आप। और आपको दिखा दें, ये देख सकते हैं आप, अभी पेड़ छोटे हैं, अब ये थोड़े थोड़े बड़े होते हैं तो उनमें ऊपर जो है ना मुच टाइप की, मतलब जो है वो निकलते हैं इस टाइप के कुछ, और फिर जो है इसमें जो है मक्के के जो है भुट्टे आने लग जाते हैं, जो हमने आपने देखा होगा भुट्टे हम खाते हैं वो इसी पेड़ों में जो है इन्हीं मक्के की खेती में निकलता है वो। देख रहे हैं हाँ। तो दोस्तों वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस करें। और क्या होता है ना कि बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा, और जो भी वीडियो हम डालेंगे आपके पास जो है सबसे पहले पहुँचेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो दोस्तों लाते रहेंगे। मेहनत लगी है दोस्तों, लाइक ज़रूर बनता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।